साहब, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सीपी क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है विजय गुप्ता और आज वाला जो वीडियो है हमारा वो भी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अभी तक हम कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एएफसी, एबीसी, एमसी और इन सबकी शेप्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इन सबके वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इन चीजों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो वहां जाकर आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस पहले देख सकते हैं एंड उनको समझ सकते हैं। आज का जो वीडियो है बेसिकली आपके साथ, उस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ रिलेशनशिप्स की जो कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन जो मैं आपके साथ पिक कर रहा हूं आज वो है एसी, एबीसी एंड एएफसी का रिलेशनशिप। देखिए, हम जानते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है उसका जो शेप होती है उसकी वो होती है यू शेप, और जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मिलाकर बनता है। सो जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, यहां पर देखिए मैंने तीन कर्व बना रखे हैं, एक एवरेज कॉस्ट कर्व, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और एक एएफसी कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मिलाकर बनता है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा एबीसी और एएफसी के ऊपर आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज तो आते हैं मगर वो कभी भी मिलते नहीं है। अब इसका आंसर है क्या, देखिए डायग्राम में, यहां से जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप कम होता जा रहा है, मतलब कि एसी एंड एबीसी आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्लोजर क्यों आ रहे हैं, इस सवाल का आंसर छुपा हुआ है इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि एसी माइनस एबीसी क्या होता है, एएफसी होता है ना, और जो एएफसी है वो इस डायग्राम में दिख रहा है मुझे कि वो लगातार फॉल हो रहा है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है विच इज एएफसी, इट इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। तो जब एएफसी फॉल हो रहा है मतलब गैप कम हो रहा है, इसका मतलब है ऑब्वियसली एसी और एबीसी क्लोजर आते जाएंगे एक दूसरे के। मगर अब आता है ट्विस्ट, क्लोजर आते जाएंगे मतलब मिल जाएंगे, मगर नहीं, एसी एंड एबीसी विल कम क्लोजर टू ईच अदर बट दे विल नेवर मीट। क्योंकि अगर ये होना है कि एसी इज इक्वल टू एबीसी हो जाए, एसी इज इक्वल टू एबीसी सिर्फ उस केस में हो सकता है जब एएफसी जीरो हो जाए। तो अगर एएफसी जीरो हो सकता है तो एसी और एबीसी मिल सकते हैं, मगर जो एएफसी है ना वो बेचारा कभी जीरो नहीं होता, इसलिए वो खुद जीरो नहीं होता और बेचारा वो लगातार गिरता भी रहता है। इसी वजह से एसी और एबीसी क्लोजर तो आते हैं बट वो कभी भी मिल नहीं पाते। अब एसी और एबीसी हो जाए ना, वो एक हीरो हीरोइन की तरह है, वो क्लोज तो आ जाते हैं बट एएफसी उनके बीच में घुस जाता है एक विलन की तरह, कहता तुम्हें मिलने नहीं दूंगा, आ जाओ क्लोज। तो एएफसी इज द मेन रीजन जिसकी वजह से एसी और एबीसी क्लोज आते हैं एक दूसरे के बट दे नेवर मीट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि जो एबीसी का मिनिमम पॉइंट है, देखिए डायग्राम में इसका मिनिमम पॉइंट है ई और एसी का मिनिमम पॉइंट है एफ। एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट है इट इज कमिंग अर्लियर देन मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आता है यहां पर पॉइंट एफ पर, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है पॉइंट ई पर। तो डायग्राम में मुझे साफ दिखाई दे रहा है ई पॉइंट पहले आता है जबकि जो एफ पॉइंट है वो आता है बाद में। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि एसी जो होता है वो तो एबीसी और एएफसी दोनों से मिलकर बनता है। अब इनिशियली क्या हो रहा है, एसी भी गिर रहा है, एबीसी भी गिर रहा है, एएफसी भी गिर रहा है। अब एसी क्योंकि एसी क्योंकि एबीसी और एएफसी से मिलकर बनता है और एबीसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ना शुरू कर देता है, ई पॉइंट के बाद एबीसी ने तो बढ़ना शुरू कर दिया मगर ई पॉइंट के बाद एएफसी
अभी भी लगातार गिर ही रहा है। अब एसी क्योंकि इन दोनों से मिलकर बनता है, तो जब तक डिक्रीज इन एएफसी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एबीसी, जब तक एबीसी में जो इंक्रीज हो रहा है जैसे कि यहां से लेकर यहां तक, वो इंक्रीज एएफसी के फॉल के बराबर होगा, तब एसी में अभी भी फॉल ही होगा, क्योंकि जो एबीसी के बढ़ने से फायदा हुआ मुझे वो एएफसी के गिरने से खत्म हो गया। तो आप मुझे समझ में आ चुका है कि जो मिनिमम पॉइंट होता है वो एबीसी कर्व का वो पहले आता है, जबकि एसी का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आता है। एज एन व्हेन एबीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एसी स्टिल डिक्रीज ड्यू टू फॉलिंग एएफसी। तो जब तक डिक्रीज इन एएफसी इंक्रीज इन एबीसी के बराबर रहेगा तब तक एसी गिरता रहेगा और उसका मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा।